रायबरेली एक्सप्रेस खबरें सबसे सबसे। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिर हुई एक बड़े अपराधी पर कार्रवाई। रायबरेली जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार राजू सुनार के घर पहुंची पुलिस। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। डुगी पिटवाकर घर खाली कराने का ऐलान किया गया। बैंक पासबुक FD समेत एक SUV गाड़ी भी लगभग 1 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई आपको बता दें, रायबरेली में एक बड़े अपराधी पर यह कार्रवाई हुई है। रायबरेली के जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार राजू सुनार के घर पुलिस पहुंची और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, क्या पूरा मामला? जनपद रायबरेली में ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कोतवाली नगर के किला क्षेत्र में अपराधी राजू कुमार रस्तोगी उर्फ राजू सोनार के यहाँ जब्ती गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई चल रही है, जिसमें एक 2 मंजिला मकान और एक लग्जरी गाड़ी की बरामदगी की गई है। यहाँ से ले जा रहा है जब्त करके। यह सारी कार्रवाई जिलाधिकारी रायबरेली महोदय के आदेश से किया जा रहा है। ऐसे अन्य अपराधी जहाँ भी छिपे होंगे उनकी भी स्क्रीनिंग कराई जा रही है पूरे जनपद में, और सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक संपत्ति कितने करोड़ की लगभग? लगभग 1 करोड़ की संपत्ति अभी तक आकलित की गई है और अन्य चीजों की भी जांच कराई जा रही है। सर, जो टॉप 10 की लिस्ट बनाई गई है उसी को लेकर पूरी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है? टॉप 10 की लिस्ट में तो कार्रवाई की ही जा रही है, जो टॉप 10 से बाहर बचे अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। सब कुछ चिन्हित किया जा रहा है और ऐसा कोई भी अपराधी जनपद में बच नहीं सकता। ठीक सर, थैंक यू।